कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे कोरोना वॉरियर्स की मदद को कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जयपुर की एक निजी कंपनी ने कोरोना वॉरियर्स को क्वाथ इम्यूनिटी सिरप बांटा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट परिसर में जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार गुप्ता और अजय पाल लांबा ने पुलिसकर्मियों को सिरप वितरित किए। ये खास जड़ी बूटियों से तैयार किया गया सिरप खासतौर पर कोरोना वॉरियर्स में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कारगर है। कंपनी की तरफ से 15,000 सिरप की बोतलें पुलिसकर्मियों को दी गई। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं दे रहे हैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिसकर्मी, जो कि 24 घंटे अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, सड़कों पर खड़े रहते हैं। उनको भी सुविधाएं मिल सके, उनका इम्यूनिटी पावर तेज हो सके, इसके लिए निजी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं की ओर से काढ़े का वितरण करवाया जा रहा है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में, कि ये अपनी ड्यूटी जब 24 घंटे सड़कों पर निभाते हैं तो उस दौरान इनका इम्यूनिटी पावर कुछ इस तरह का हो जिससे कि इनको गर्मी के दौरान खड़े रहने में भी कोई ज्यादा परेशानी न हो। इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वो ये तमाम पुलिसकर्मी हैं जो कि यहाँ पर जिनको काढ़े का वितरण करवाया जा रहा है। यहाँ ये कार्यालय में कर्मचारी हो या फिर फील्ड में तैनात रहने वाले वो लोग हों जो कि लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, ये वो सभी लोग हैं जो यहाँ पर जिनको काढ़े का वितरण किया जा रहा है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की यहाँ पर काढ़े का वितरण करवाया जा रहा है, क्या होगा? इस ये एलेक्स कंपनी है जो यहाँ जयपुर बेस्ड ही है, भांकरोटा इलाके में इनका प्लांट है और इन लोगों का ये जड़ी बूटियों के आधार पर ये काढ़ा तैयार कर रहे हैं, जो आयुष मंत्रालय जिस तरह की गाइडलाइंस दी है उसके अनुसार ये तैयार किया है। 15,000 बोतलें ये हमें पुलिस, जयपुर पुलिस को दे रहे हैं और हम प्रत्येक जवान तक ये पहुंचाएंगे और इनका ये दावा है कि इससे इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। तो हम भी ये सोचते हैं कि इस माहौल में हमारे जवानों का जो इम्यूनिटी सिस्टम हो बढ़िया हो, ये हम चाहते हैं और इनका बहुत बहुत एलेक्स कंपनी का, डॉक्टर संदीप यादव जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। बिल्कुल, 15,000 बोतलों का यहाँ पर वितरण करवाया जा रहा है। अजयपाल लांबा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। बिल्कुल, अभी अशोक गुप्ता जी से जैसे बात हुई, लांबा जी से भी एक बार पूछ लेते हैं। सर, किस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हैं इनके जरिए? हमारे जवान चूंकि फ्रंट लाइन पे रह करके कोरोना के इस युद्ध में सभी लोग शामिल हैं और क्योंकि कोरोना इन्फेक्टेड लोगों से भी क्लोज प्रोक्सीमिटी में हम लोग काम करते हैं, ऐसे में जवानों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये एक आयुर्वेदिक टोनिक जो तैयार किया है कंपनी ने, वो सभी जवानों को वितरित किया जा रहा है ताकि सभी का इम्यूनिटी बेहतर रहे और हम इस संक्रमण से अपने आप को बचा सकें। पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिस तरह से काम करते हैं सड़कों पर, वो अपने आप को किस तरह से इस संक्रमण से बचा सके, यही यहां पर कोशिश पुलिस कमिश्नरेट में की जा रही है निजी संस्थाओं के सहयोग से। और उनको प्रत्येक जो व्यक्ति है, पुलिसकर्मी है, उनको यहां पर तस्वीरों में देखेंगे, उनको यहां पर वितरण किया जा रहा है इन बोटल्स का, जिसके अंदर आयुर्वेदिक दवा है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। तो इससे कहा जा सकता है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो सड़कों पर तैनात रहते हैं, उनके काम करने में बेहतर परिणाम निकल के सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर।